हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल इम्पोर्टेंट एग्जाम टॉपिक में। आज का टॉपिक है पीएम मुद्रा योजना। तो पीएम मुद्रा योजना चर्चे में क्यों है, सबसे पहले ये जानते हैं। लेकिन इससे पहले इसकी जो फुल फॉर्म है वो जान लेते हैं। तो M फॉर माइक्रो, U फॉर यूनिट्स, D फॉर डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। तो माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी, जो माइक्रो यूनिट मतलब छोटे जो उद्योग हैं उनके डेवलपमेंट के लिए फाइनेंस उपलब्ध इसके द्वारा कराया जाता है। अगर इसके मुख्यालय की बात की जाए तो वह कहाँ पे है, तो वह मुंबई में है। अब जानते हैं चर्चा में क्यों है। आज यानी 8 अप्रैल को पीएम मुद्रा योजना के 8 साल पूरे हो गए हैं। तो केंद्र सरकार की इस योजना के जरिए इस दौरान लगभग 40 करोड़ से भी अधिक लोगों को अपना रोजगार शुरू करने में मदद मिली है। अब जानते हैं इससे जुड़ी कुछ बेसिक बातें। तो पीएम मुद्रा योजना को भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया था। पीएम मुद्रा योजना लघु व्यवसाय उद्यमों के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराती है। अगर इससे जुड़ी जो वित्त पोषण एजेंसी है जो वित्त देने का काम करती है, तो वो है मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां NBFC और साथ में सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों के द्वारा यह वित्त प्रदान किया जाता है। जो वित्त दिया जाता है तो वो कितनी प्रकार का होता है, तो वह 3 प्रकार का वित्त इस योजना के माध्यम से दिया जाता है। तो पहला है शिशु, दूसरा किशोर और तीसरा तरुण। तो शिशु में अगर बात करते हैं तो वह 50,000 रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराता है। किशोर में 50,000 से 5 लाख तक का ऋण दिया जाता है और तरुण में 5 लाख से 10 लाख तक का ऋण दिया जाता है। लेकिन जो ऋण दिया जाता है वह उसका उपयोग विनिर्माण, व्यापार, सेवा क्षेत्र और कृषि में आय अर्जित गतिविधियों हेतु किया जा सकता है। पीएम मुद्रा योजना से जुड़े जो 2015 से अब तक कुछ सुधार करने हेतु कदम उठाए गए हैं, अगर उनकी बात की जाए तो वह है उद्यम मित्र पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन का प्रावधान शुरू किया गया। कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने पीएम मुद्रा के तहत स्वचालित प्रतिबंधों हेतु शुरू से अंत तक डिजिटल ऋण देना शुरू कर दिया है। हितधारकों के बीच योजना की दृश्यता बढ़ाने हेतु, मतलब उनके बीच इसकी स्पष्टता लाने हेतु PSB मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक और मुद्रा लिमिटेड के द्वारा गहन प्रचार अभियान किए गए। पब्लिक सेक्टर बैंक में मुद्रा नोडल अधिकारी का भी नामांकन किया गया। अब जानते हैं इससे जुड़ा जो 2016 में UPSC के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया, तो वह है पीएम मुद्रा योजना का लक्ष्य क्या है। अगर आपने इसके फुल फॉर्म को अच्छे से याद किया है तो माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी, तो इससे ही इसका आंसर मिल जाता है। जैसे पहला ही इसका सही है, लघु उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक सब्सक्राइब कमेंट और शेयर करना।